हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी। दिस इज अभिषेक उपाध्याय। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे ऑनलाइन चैनल में। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं शुरू करने वाला हूं द हिंदू के इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनके डिस्कशन के बारे में। आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। और जो आज मैंने पहली हेडलाइन उठाई है तेरे दोस्तों, वो उठाया है जेडीएस एमएलसी रिमांडेड इन सीआईडी कस्टडी इन सेक्सुअल अब्यूज केस। पहले दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत शब्द आता है रिमांड। कहते हैं ना इसको रिमांड पर ले लिया गया है। रिमांड वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। तो रिमांड का मतलब होता है दोस्तों किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना, यानी टू सेंड समबडी अवे फ्रॉम अ कोर्ट, किसी व्यक्ति को कोर्ट से दूर भेज देना, टू वेट फॉर देयर ट्रायल, की भी आप अपनी जो है सुनवाई का इंतजार करिए, विच विल टेक प्लेस एट अ लेटर डेट, जो कि बाद की डेट में पड़ेगी दोस्तों। रिमांड में लेना, जैसे मान लीजिए कोर्ट में किसी व्यक्ति की सुनवाई हुई, अब ये देखा गया कि भाई अब इनकी सुनवाई में थोड़ा और वक्त लगेगा, तो उसको जेल भेजो, किसी दूसरे स्थान पर भेजो, और वो तब तक इंतजार करेगा जब तक कि भैया आपके सुनवाई की डेट नहीं आ जाती। इसी को दोस्तों कहते हैं रिमांड। क्या कहते हैं भैया? रिमांड। अच्छा वर्ड है। और कस्टडी का मतलब हिरासत में होना है दोस्तों। कह रहा है द स्टेट ऑफ बीइंग इन प्रिजन, यानी कि जेल में होने की अवस्था, स्पेशली वाइल वेटिंग फॉर ट्रायल, जब आप ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। तो ये कह रहा है जेडीएस एमएलसी, जेडीएस की एमएलसी है रिमांडेड, उनको रिमांड लिया गया, उनको हिरासत में लिया गया इन सीआईडी कस्टडी, सीआईडी कस्टडी में इन सेक्सुअल अब्यूज केस। वैसे दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक वर्ड होता है अब्यूज। क्या होता है भैया? अब्यूज। अब्यूज का मतलब अगर गाली है, क्या है भैया? गाली है। तो ऐसी कंडीशन में इसको अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। लेकिन दोस्तों इसका एक मतलब होता है दुरुपयोग, दुरुपयोग होता है दुरुपयोग, और इस सेंस में भी अनकाउंटेबल नाउन माना। सेक्सुअल अब्यूज का मतलब होता है किसी को सेक्सुअली हैरेस करना, उसको परेशान करना, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम लोग अगली न्यूज की तरफ चलेंगे। अगला न्यूज हमने उठाया है सर्वाइवर्स ऑफ हूच ट्रेजेडी इन तमिलनाडु कॉल फॉर एबॉलिशिंग सेल ऑफ स्प्यूरियस लिकर। पहले दोस्तों यहां पर सर्वाइवर्स एक वर्ड आता है। सर्वाइवर्स बना किससे? सर्वाइवर से। सर्वाइव करना मतलब होता है जीवित रह जाना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सर्वाइवर शब्द लिखा है जीवित बचे हुए लोग, अ पर्सन हु कंटिन्यूज टू लिव, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवित रह जाता है। और कब जीवित रह जाता है? स्पेशली डिस्पाइट बीइंग नियरली किल्ड, मतलब लगभग लगभग उसकी मृत्यु आ ही गई थी, लगभग लगभग उसकी मृत्यु आ ही गई थी, या वो एक्सपीरियंस कर रहा था डेथ लाइक एक्सपीरियंस को, कि भैया आप तो मृत्यु आ गई, और उसके बावजूद भी वहां से बच करके निकल आया, उसी को बोलते हैं सर्वाइवर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्वाइवर्स। तो कह रहा सर्वाइवर्स ऑफ हूच ट्रेजेडी। हूच क्या होता है दोस्तों? अवैध शराब होती है। आपको पता है कि गांव में या पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ लोग होते हैं जो अपने आप से शराब बनाते हैं। देखो एक तो शराब बनने का एक तरीका है, फैक्ट्रीज में बनती है, उसके लिए मानक तय है, उसके पूरा मेजरमेंट होता है, और वो बिल्कुल लाइसेंस के साथ बिकती है। और दूसरी शराब क्या है? दूसरी शराब अवैध रूप से बनाई जाती है, जिसको हूच कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? हूच। तो सर्वाइवर्स ऑफ हूच ट्रेजेडी, जो हूच ट्रेजेडी हुई थी, एक खराब शराब पी करके लोग मर रहे थे। आगे कह रहा है तमिलनाडु कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है दोस्तों टू नीड समथिंग, टू नीड समथिंग, किसी चीज की मांग करना। कह रहा है कि जो सर्वाइवर्स हैं हूच ट्रेजेडी की इन तमिलनाडु कॉल्स फॉर, उन्होंने मांग किया है एबॉलिशिंग सेल। एबॉलिशिंग मतलब एबॉलिश करना, मतलब होता है मिटा देना। क्या होता है भैया? मिटा देना। एबॉलिशिंग यानी मिटा देने के, किसी चीज को मिटा देने के, सेल ऑफ स्प्यूरियस लिकर। स्प्यूरियस का मतलब होता है कम क्वालिटी के खराब लिकर को भैया समाप्त कर दिया जाए, इसकी माप की। और यहां पर देखिए दोस्तों हूच क्या है? हूच का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक, स्पेशली समथिंग दैट हैज बीन मेड इलीगली, ऐसा कोई भी शराब जो अवैध रूप से बनाया गया उसको हूच बोलते हैं। और सर्वाइवर होता है दोस्तों किसी भी दुर्घटना में या किसी भी मृत्यु जैसे एक्सपीरियंस जो बचे हुए लोग हैं, अरे दोस्तों उन्हीं को सर्वाइवर कहा जाता है। चलिए तेरे दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है विल वर्क फॉर कॉन्सेंसस इन पार्लियामेंट, हम लोग पार्लियामेंट में कॉन्सेंसस के लिए काम करेंगे, सेज मोदी, ऐसा मोदी जी कहते हैं। चलिए कॉन्सेंसस का मतलब होता है दोस्तों आम सहमति। वी विल वर्क फॉर, हम काम करेंगे, कॉन्सेंसस यानी सहमति, आम सहमति भाई, एन ओपिनियन दैट ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एग्रीज विद, मतलब जैसे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, जिस ओपिनियन के साथ में एग्री कर रहे हैं पहले दोस्तों, उसी को कॉन्सेंसस कहा जाता है। अगला देखिए कह रहा है कॉन्सेंसस अबाउट या ऑन समथिंग होता है, जिस चीज के बारे में आपकी आम सहमति बनी है उसी को बोलते हैं कॉन्सेंसस ऑन समथिंग या कॉन्सेंसस अबाउट समथिंग। कह रहा है सी इज स्किल्ड एट अचीविंग, वह एकदम कुशल है क्या अचीव करने में, कॉन्सेंसस ऑन सेंसिटिव इशूज, कोई सेंसिटिव इशूज है उसमें आम सहमति बनाने के लिए। चलिए प्यारे दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यस सी डिसमिसेस,
एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है हरियाणाज प्ली। प्ली मतलब होता है दोस्तों याचिका, प्ली का मतलब याचिका अगेंस्ट क्रैशिंग ऑफ एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर लोकल कैंडिडेट्स। बहुत बढ़िया है, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया हरियाणा की याचिका को। प्ली मतलब क्या होता है दोस्तों याचिका, एन अर्जेंट इमोशनल रिक्वेस्ट प्ली फॉर समथिंग होता है। सी मेड एन इम्पैसेंट प्ली फॉर हेल्प, उसने हेल्प के लिए मांग की। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया अगेंस्ट क्वेशिंग, क्वेश्चन मतलब होता है किसी निर्णय को रद्द करना, यानी टू ऑफिशियली से दैट अ डिसीजन मेड बाई अ कोर्ट इज नो लॉन्गर वैलिड, भी अब वैलिड नहीं है, इसका सिंगलिप्स हमारा ओवर टर्म हो जाएगा, किसी के लिए गए निर्णय को पलटना होता है क्वेशिंग। यानी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी हरियाणा की याचिका को जो क्वेश करने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स को किया गया था फॉर लोकल कैंडिडेट्स, लोकल कैंडिडेट्स के लिए। चलिए दोस्तों पांचवें में चलेंगे, इंडिया पाक डेलीगेशन, यानी भारत और पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन का मतलब प्रतिनिधिमंडल होता है दोस्तों। इंडिया पाक डेलीगेशन भारत और पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है प्रतिनिधिमंडल है, कह रहा है रीच जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर पहुंचा। आपको बताओ दोस्तों रीच अगर वर्ब है तो इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। रीच जम्मू कश्मीर टू इंस्पेक्ट, ये निरीक्षण करने के लिए पावर प्रोजेक्ट का अंडर इंडस वैली ट्रीटी। इंडस मतलब होता है सिंधु, इंडस वाटर ट्रीटी, ट्रीटी का मतलब होता है दोस्तों कोई संधि या समझौता। ट्रीटी बहुत बढ़िया शब्द आता है, ट्रीटी का मतलब होता है दोस्तों संधि या समझौता, यानी फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। द ट्रीटी ऑफ रोम आपने पढ़ा होगा, पीस ट्रीटी पढ़ा होगा, ड्रॉप ट्रीटी होता है, साइन ट्रीटी होता है, रेक्टिफाइड ट्रीटी होता है। तो प्यारे दोस्तों ये आज की हमारी थी द हिंदू की क्लास, आई थिंक आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।